अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम का यूट्यूब चैनल। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे वो है किया स्पोर्टर की न्यू जनरेशन, जो कि जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है। और जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल भी कर दें, ताकि हमारे सभी जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें और आप हमारी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट करते हैं आने वाली किया स्पोर्टर की। गाड़ी का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है गाड़ी का और देखने में काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश जो है वो गाड़ी का डिज़ाइन नज़र आता है। किया ने अभी इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो रिवील किया गया है, लॉन्च डेट का अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। गाड़ी में काफ़ी स्टाइलिश फ्रंट दिया गया है, फ्रंट से आप गाड़ी को देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश है गाड़ी का फ्रंट। और गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट किस्म की डिज़ाइन की गई है इस जनरेशन में। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो उसमें काफ़ी डिफरेंट से कर्व जो हैं वो हमें साइड प्रोफाइल में मिल जाएंगे, जो कि गाड़ी को काफ़ी बल्की लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लुक जो है वो इस गाड़ी की हमें नज़र आ रही है। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स की बात करें तो एलईडी में गाड़ी की फ्रंट लाइट जो कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर देखें तो हमें यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर वो गाड़ी का मिल रहा है, जिसमें हमें गाड़ी की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो गाड़ी में प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सा बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टोटल इसको डिजिटल कर दिया गया है। इसके अलावा ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर जो है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और अगर गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो पुरानी स्पोर्टर से ज़्यादा फीचर इस गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर फीचर्स मैं आपको इस गाड़ी में बताता हूँ तो इस गाड़ी में हमें पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, पैनारोमिक सनरूफ जो है वो इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल आएगा, इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं इस गाड़ी में, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी सिस्टम है और डाउन हिल असिस्ट का फीचर्स है वो इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स इस गाड़ी में होंगी और इसके अलावा रेडार सिस्टम जो है वो इस गाड़ी में नस्ब है। ABS ब्रेक्स हैं गाड़ी में, EBD की ऑप्शन है और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन जो है वो भी गाड़ी में मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी की डिफरेंट ड्राइव मोड की, तो हमें स्पोर्ट्स मोड, EV मोड और नॉर्मल मोड जो है वो इस गाड़ी में प्रोवाइड की जाएंगी। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो लेदर सीट्स गाड़ी में इंस्टॉल हैं और ऑटो ब्रेक सिस्टम जो है वो भी गाड़ी में इंस्टॉल किया गया है। ऐसे तरह तमाम जो फीचर्स हैं वो इस गाड़ी में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा गाड़ी में एयर बैग्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद है और खूबसूरत अलॉय व्हील्स जो हैं वो हमें गाड़ी में प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। तो वे बस देख रहे हैं कि आखिर कब तक किया स्पोर्टर जो है अपनी न्यू जनरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च करती है। तो फिर वह देखना यह है कि किया स्पोर्टर जो है वो न्यू जनरेशन वाली पाकिस्तानी मार्केट में कब तक लॉन्च की जाती है। तो किया मोटर्स की तरफ से जैसे ही कोई लॉन्चिंग डेट हमें मिल गया तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो व्यूवर्स, इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो आपको कैसा लगा? मुझे पर्सनली इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त और मॉडर्न जो है इस गाड़ी का डिज़ाइन लग रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो व्यूवर्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दिया इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।